और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने वोकैबुलरी कैसे तैयार करनी है। बहुत सारे लोगों ने मुझे इनबॉक्स में ये चीजें पूछी हुई हैं, इसीलिए मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि वोकैबुलरी को लेकर बहुत सारे लोगों का कंसर्न है कि हम कहाँ से तैयार करें, क्या हम GRE की जो है 3500 की लिस्ट है वो तैयार करें। तो इसमें जो मेरा जो मेथड था जब मैंने CSS की तैयारी की थी, तो मैंने कोई भी GRE या किसी भी वोकैबुलरी की लिस्ट को तैयार नहीं किया था। उसकी रीजन ये थी कि आप अगर वोकैबुलरी को रटा मारने की कोशिश करेंगे या उसको याद करने की कोशिश करेंगे उस तरह की सीरीज में, तो आपको वो रिटेन नहीं रहेगा। फॉर अ टाइम बीइंग आपको लगेगा कि वो आपको याद है, लेकिन आप लॉन्ग रन में उसको याद नहीं रख सकते। तो अब इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि आप सिंपल रिलाई करें न्यूज़पेपर के ऊपर। डॉन न्यूज़पेपर लें या आप टाइम्स का जो है वो न्यूज़पेपर ले सकते हैं। आप डेली जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें से आप सिंपल जो है उसकी वोकैबुलरी को आप फिक्स करें कि आपने डेली 4 या 5 वर्ड्स करने, इससे ज्यादा आपने नए वर्ड्स तैयार नहीं करने। और आपने एक डायरी सी बनानी है जिसके ऊपर आपने वो नोट डाउन कर लेने हैं। नोट डाउन करने के बाद आपने करना कुछ यूं है कि आपने अगर लेट से आज न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें 4 वर्ड्स आए नए, आपने वो आज तैयार कर लिए, उनका मीनिंग देख लिया, उनका यूजेज देख लिया कि कैसे यूज करने। उसके बाद आप वीकली अपनी वोकैबुलरी को रिवाइज करने की आदत डालें। इससे क्या होगा कि वो खुद ब खुद आपकी इन 8 काइंड ऑफ वोकैबुलरी बन जाएगी। आपको फील भी नहीं होगा कि ये चीजें आपने याद की हुई है, रट्टा मारी हुई है, आपके लिए वो कॉमन चीजें बन जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता अपने वोकैबुलरी का बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह चलें। अदरवाइज जो रट्टे वाला है उसमें क्या होगा कि आपको एट द एंड ऑफ द डे जब आपको पेपर में वो चीजें जरूरत होंगी तो आपको वो याद नहीं आ रही होंगी, आपका वो चीजें वो आपको भूल गई होंगी। सो दिस वॉज माई सजेशन रिगार्डिंग वोकैबुलरी प्रिपरेशन। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।